साई 11 की जानिब से मुनाकिदा नानेड की तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट लेट गणपत राव मोरगे T20 क्रिकेट कप जैन इरिगेशन जलगांव की टीम ने अपने नाम कर लिया है। साई 11 की जानिब से नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम में 12 सात 27 जनवरी लेट गणपत राव जी मोरगे T20 लेडर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का अहतमाम किया गया। इनामी रकम के लिहाज से नांदेड़ की तारीख के अब तक के इस सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में मुल्क भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इतवार 27 जनवरी को टूर्नामेंट का फाइनल जैन इरिगेशन जलगांव और जोहर सीसी नांदेड़ के दरमियान खेला गया। जलगांव के कप्तान राहुल नंबारे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जलगांव ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। प्रद्युमन महाजन ने 57 गेंदों में धुआंधार 71 रन बनाए। जोहर की जानिब से बॉलिंग करने वाले शाहिद सिद्दीकी ने 4 ओवर्स में 30 रन देकर दो खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में जोहर सीसी 18वीं ओवर में 116 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह जलगांव ने ये फाइनल 38 रनों से जीत लिया। मैच के बाद इनामी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमानों ने खुसूसी की हैसियत से MLA DP सावंत और जिला SP संजय जाधव ने शिरकत की। इस मौके पर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अजहर कुरैशी, साई यादव, उमेश बड़गे, रोमी सिंह, आमिर लाला, विपिन जाधव, दिलीप यादव और सुनील जाधव मौजूद थे। मेहमानान के हाथों खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए गए। मैन ऑफ द मैच और बेहतरीन बल्लेबाज के अवार्ड्स जलगांव के प्रद्युमन महाजन को दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज का इनाम बिलाल पंजाबी को दिया गया। बेहतरीन गेंदबाज का अवार्ड अमित गोंडे को अता किया गया। बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड विपिन जाधव को दिया गया। अमरावती को तीसरे मकाम की ट्रॉफी दी गई। जोहर सिटी को रनर अप का कप और नकद इनाम थमाए गए। आखिर में जलगांव की टीम को फातेह ट्रॉफी और नकद इनाम बख्शे गए। ऑर्गेनाइजर्स की बेहतरीन मंसूबाबंदी के साथ साथ मोहम्मद अथर, विनय सर, भारत चौहान और राजा पटेल की मुस्तैद और गैर जानबदाराना एम्पायरिंग भी इस टूर्नामेंट की कामयाबी का सबब रही। श्रीधर पांचाड़ा ने स्कोरिंग के फरायज अंजाम दिए। सलमान दाद खान की दिलचस्प कमेंट्री ने मैचेस का मजा दुगुना कर दिया था। फाइनल मैच का मुशाहदा करने के लिए क्रिकेट शायकीन ने हजारों की तादाद में स्टेडियम का रुख किया। साईलन प्रस्तुत स्वर्गवासी गणपतराव जी मुर्गे चषक 2019 आज का जो फाइनल मैच खेला गया जोहर वर्सेज जलगांव जैन इरिगेशन, और इसमें जैन इरिगेशन ने फाइनल मारा है और सेकंड टीम का प्राइज जोहर सीसी को गया है। और यहाँ पे चार ही टूर्नामेंट के प्राइस थे, जो फर्स्ट प्राइस 1,51,000, सेकंड प्राइस 71,000 और थर्ड प्राइस 31,000 और चौथा प्राइस 21,000। और मैन ऑफ द मैच 11,000 है, 5,000 बेस्ट बॉलर, 5,000 बेस्ट बैट्समैन, 5,000 और बेस्ट बॉलर, 5,000 और बेस्ट विकेट कीपर 5,000। और यहाँ पे फाइनल बहुत अच्छी तरह से खेला गया। नांदेड़ की जनता ने बहुत सपोर्ट किया हमें, ज़्यादा तादाद पर आके हमारा बहुत हौसला बुलंद किए, हमारा किए, प्लेयरों का किए और मान्यवरों का भी किए। और ये हमारे जो भी मान्यवर है, दिलीप यादव, रोमी सिंह, उमेश बड़गे, आजर कुरैशी, लखन यादव, संतोष यादव, सलमान दाट खान, के सुनील, ये सभी ने मुझे बहुत हेल्प किया। और खास कर ये सभी अच्छे आयोजकों का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। 2019 सीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइज बाय साई यादव जी, इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है नांदेड़ में। लगभग इस फाइनल को देखने के लिए 10 से 12,000 पब्लिक यहाँ पर आई थी और बहुत बड़ा क्राउड था। मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनल में मेहमान खसूस के तौर पर नांदेड़ पुलिस की शान श्री संजय यादव सर जी यहाँ पर मेहमान खसूस के तौर पर आए फाइनल में, और नांदेड़ उत्तर के लोकप्रिय आमदार DP सावंत जी भी यहाँ पर आए थे।